हमारे पास एग्रीकल्चर ट्वेल्थ केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 4 है, रसायन की भाषा है ना। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे सभी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हेडिंग आता है वो आता है जो प्रतीक है, यानी कि किसी भी रासायनिक अवयव का यानी कि परमाणु संरचना से संबंधित जो हमारा एक सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है। जैसे आप आवर्त सारणी में भी जानते होंगे, आवर्त सारणी में जितने भी ये सारे के सारे तत्व बने हुए हैं भाई, तो ये सारे के सारे किसको रिलेट करते हैं? सिंबल को, प्रतीक को, है ना। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास सोनू मोनू जोनू ये कई सारे आदमी है ना। तो आप सोनू को सोनू ना कह के एस कहो, जोनू को जोनू ना कह के जे कहो, है ना, मोनू को मोनू ना कह के आप एम कहो। तो इसी तरीके से हमने जितने भी हमारे पास तत्व है भाई, उनको एक प्रतीक के रूप में लिखते हैं। जब उनसे समीकरण बनती है या उनसे एक यौगिक बनता है तो उनको हम प्रतीक के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे भाई, प्रतीक, प्रतीक, और चैप्टर का नाम है आपका रसायन की भाषा, और ये हमारा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का और कक्षा 11 साइंस की केमिस्ट्री का चैप्टर है रसायन की भाषा, रसायन की भाषा। और इसमें जो हेडिंग बनता है सबसे पहले आपका वो बनता है भाई सिंबल, जिसको हम हिंदी की अगर बात करें तो प्रतीक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे भाई आप किसी परमाणु के लिए, किसी परमाणु के लिए लिया गया, किसी परमाणु के लिए लिया गया वह विशेष चिन्ह, किसी परमाणु के लिए लिया गया वह विशेष चिन्ह जो उसके तत्व को भी, जो उसके तत्व को भी प्रदर्शित करता है, जो उसके तत्व को भी प्रदर्शित, जो उसके तत्व को भी प्रदर्शित करता है, ठीक है, इसे प्रतीक कहते हैं, इसे प्रतीक कहते हैं। ठीक है भाई, तो इतनी बात सभी की क्लियर होगी। चलिए अच्छा, एक यहाँ जैसे और लिख लो, जैसे कह दो या इसको आप उदाहरण कह दो। तो जैसे मैं लिखेंगे भाई, जैसे लिथियम है भाई, लिथियम तो लिथियम का जो प्रतीक होता है वो Li होता है ना। अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है भाई वो H होता है। हालांकि जो हाइड्रोजन का अणु होता है ना वो H2 होता है, लेकिन हम केवल भाई एक परमाणु की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो केवल H ही लिखेंगे। मैंने कहा क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए हम क्या यूज करेंगे? Cl, है ना। अब अगर आप लोहा मीन्स फेरस, लोहे को केमिस्ट्री में भाई फेरस कहते हैं, तो इसको आप Fe से प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। हीलियम Hg। तो दुनिया भर के हमारे पास जितने भी पीरियडिक टेबल में एलिमेंट आते हैं, जितने भी तत्व आते हैं आवर्त सारणी में, सभी का कोई ना कोई प्रतीक होता है भाई। और जब हम इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो ये एक यौगिक बनाते हैं, है ना। इससे पहले चैप्टर में भाई हमने यौगिक के बारे में पढ़ लिया। तो यौगिक क्या है बताओ, यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक तत्व को आपस में मिलाया जाता है ना, कंबाइंड किया जाता है, तो एक यौगिक बनता है। तो जब हम दो या दो से अधिक सिंबल को एक साथ मिलाएंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, तो यहाँ पर यौगिक बनेगा, है ना। तो इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे, लिखिए भाई हेडिंग, जो अगला हेडिंग है प्रतीक का महत्व, प्रतीकों का महत्व, ऐसे लिखेंगे, प्रतीकों का महत्व।
प्रतीकों का महत्व, प्रतीकों का महत्व। नंबर एक में लिखेंगे भाई, हेडिंग नहीं है वैसे लिखेंगे, यौगिकों को आसानी से समझा जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई हमारा जो बेसिकली जो हमारा एक किसी परमाणु का प्रतीक होता है, तो उस प्रतीक को जब हम एक दो एक या दो तीन चार जितने भी हम क्रम में लगाएंगे, व्यवस्थित करेंगे उनको एक निश्चित अनुपात में, तो उनका जो भी सूत्र बनता है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब मैंने कहा आपको सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, NaCl लिखते हैं ना, तो सोडियम क्लोराइड के हम NaCl लिखते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी यौगिक को आसानी से देख के समझ सकते हो कि ये यौगिक कौन सा है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई भाई। अच्छा आप ये बताओ, जैसे सोडियम है, सोडियम को लिखना बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसको तुरंत लिख सकते हैं एक प्रतीक के रूप में, है ना। किसी, अगला नंबर लिखेंगे, किसी तत्व का पूरा नाम लिखने में, पूरा नाम लिखने में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। एकदम सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि किसी तत्व का पूरा नाम लिखने में अधिक समय लगता है, ठीक है। यदि उसका प्रतीक लिखा जाए, यदि उसका प्रतीक लिखा जाए, यदि उसका प्रतीक लिखा जाए तो समय की बचत होती है, तो समय की बचत होती है, ठीक है। तो मेरे भाई ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप अपनी भाषा में किसी तरह से लिख सकते हो, लेकिन पढ़ने वाले की समझ में आना चाहिए, है ना। अब जैसे मैंने कहा आपको कि भाई, जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि मेरे पास एल्यूमिनियम है, अभी आप देखो ज़रा, एल्यूमिनियम, अब देखो इसको लिखने में मुझे कितना टाइम लगा, और अगर मैं इसका प्रतीक लिख दूं तो Al, अगर मैं इसका तुरंत प्रतीक लिख दूं Al हो जाएगा, Al है ये, कभी आप इसे E पढ़ लो, Al, बताओ कितना आसान है। yes, प्रतीक लिखना एकदम आसान है, वेरी सिंपल, और उसका पूरा जनरल नाम लिखना थोड़ा सा बड़ा है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा प्रतीक किसका है, इतनी बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं भाई, जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम, तो कई बार ए बड़ा बना दिया, एल भी बड़ा बना दिया, तो ये गलत तरीका है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये तरीका गलत है। आपको एल छोटा ही बनाना पड़ेगा, पैर का अक्षर बड़ा बनाना पड़ेगा और बाद का जो अक्षर होगा वो छोटा बनाना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने कहा एल्यूमिनियम लिखो, तो कई बार बच्चे यूँ कर देते हैं ए को भी छोटा, तो ये भी तरीका गलत है। तो बेस्ट तरीका क्या है इसको लिखने का, ए बड़ा और एल छोटा, ये इज ये है इसका एकदम अच्छा तरीका है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने कहा आपको सोडियम का प्रतीक लिखो Na, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं Nu बना देंगे, Au बना देंगे, तो ये तरीका गलत है, या कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे, ये भी तरीका गलत है भाई। तो इसका ये जो राइट तरीका है वो ये है, Na बड़ा और A छोटा। कई बार अगर मैंने कहा कि सोडियम का प्रतीक लिखो, तो A नहीं लिखेंगे, केवल N बना दिया, और N किसका होता है, नाइट्रोजन का। इतनी बात आप समझेंगे, है ना। मैंने कहा अगर आपको सोडियम का प्रतीक लिखो और आप खाली N बना के रख दो, तो भाई ये नाइट्रोजन का हो जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन में बहुत गड़बड़ करते हैं सब, तो Cl को U बना देते हैं, ऐसा नहीं बनाना। इसका ये ध्यान रखना है आपको कि जिस एक्शन में जिस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, उसी तरीके से आपको ये भाई लिखना है और उसी तरीके से इसको समझना है। अपने पास से कोई नई चीज़ नहीं लगानी,
ठीक है। एग्जाम में भी कई बार बच्चे ऐसे गड़बड़ करते हैं, इसी वजह से ही केमिस्ट्री में उनके नंबर ज़्यादातर घटते हैं, क्योंकि पढ़ लेते हैं बच्चे लेकिन इस बात को नहीं समझते कि कौन सा अवयव का सूत्र किस एक्शन में लिखा जाना है। ठीक है, तो समय की बचत होगी। इसके बाद इतना समझ में आ गया भाई सबकी। इसके बाद आप पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। यौगिक में, यौगिक क्या, यौगिक को लिख लो, यौगिकों में उनके तत्वों के अनुपात की, उनके तत्वों के अनुपात की सही जानकारी, सही जानकारी हो जाती है, सही जानकारी हो जाती है। ठीक है भाई, यौगिकों में जो तत्व के अनुपात हैं भाई, उनकी सही जानकारी हो जाती है। अब अगर मान लीजिए हम पानी की बात करें, आप लिखेंगे नहीं केवल समझेंगे, अगर हम पानी की बात करें भाई, तो पानी जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। अगर आप इसको हिंदी में लिखोगे कि ऑक्सीजन और प्लस, ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन, तो मेरे भाई यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बन सकता है, समझ में आई बात। अगर आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हिंदी में लिखोगे और तीर का निशान लगा के लिखोगे यहाँ, तो यहाँ पानी के साथ साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें भाई अनुपात पर डिपेंड करती है कि कितनी मात्रा में आपने यहाँ हाइड्रोजन लिया, यानी कि कितने मोल या अवयव आपने हाइड्रोजन के लिए और कितने अवयव या मोल आपने ऑक्सीजन के लिए। अगर आप हाइड्रोजन के 2 अवयव लेंगे और ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 अवयव लेंगे, है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि जो बनने वाला आपका यौगिक होगा वो पानी होगा। लेकिन अगर आप दोनों का अनुपात सेम रखोगे ना, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का दोनों का अनुपात अगर आप सेम रखोगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसको आप स्प्रिट के नाम से भी जानते हो। एक दिन पहले भी मैंने आपको बात बताई थी भाई, इसको हम स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी बात समझ में आई यौगिकों में उनके अनुपात का पता लगाने में, तो ये इस तरीके से पता लगा सकते हैं। जैसे एक अवयव, एक कंपाउंड और है मेरे पास H2O2, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन भी इसमें है, लेकिन एक अनुपात की बात है बस। देखो, केवल अनुपात बदलने से अगर यहाँ भी 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाए, जबकि ये पानी से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पानी से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि पानी उदासीन होता है लेकिन ये उदासीन नहीं होता। खैर, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और लिखो आप इसमें, एक पॉइंट आप और लिखो। यौगिकों को आसानी से लिखा, यौगिकों को आसानी से लिखा वह समझा जा सकता है, लिखा वह समझा जा सकता है, यौगिकों को आसानी से लिखा वह समझा जा सकता है। यौगिकों को आसानी से लिखा वह समझा जा सकता है। तो इतनी बात आपकी सभी की क्लियर होगी भाई। ठीक है, अब आप नया हेडिंग लिखेंगे, कुछ यौगिकों के सूत्र, कुछ यौगिकों के सूत्र। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगर मैं यौगिकों के सूत्रों की बात करूं, तो बस एक टेबल से बना लेंगे या उसी से काम चल जाएगा, कि हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होंगे, है ना, तो वो लिख लेंगे। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में है, खासकर एग्रीकल्चर 12th के लिए, ठीक है, तो उनको मैं यहाँ पर लिखूँगा और आप उनको अच्छे से देख लेंगे। कई बार 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका सीधा सीधा एग्जाम में ट्रेंड कर सकता है कि यौगिकों का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 यौगिकों का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भाई पूछा जा सकता है किसी भी तरह से। या आपको दे दिया, मान लीजिए साधारण फिटकरी का सूत्र लिखो भाई,
है ना। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाया करता है, एक या दो नंबर का। आप किसी भी सन का पेपर उठा के देख लो, खासकर एग्रीकल्चर वाले, तो एक क्वेश्चन आपका सूत्र से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ट्रेंड करता है, इतनी बात आप समझते रहिएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स और उनके सूत्र लिखूंगा, आप बहुत ध्यान से उनको समझेंगे। कोई भी अगर इशू होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई, किसी भी माध्यम से। तो मैंने कहा आपको कि यहाँ लिखेंगे यौगिक का नाम, यौगिक का नाम, और यहाँ लिखेंगे सूत्र, ठीक है। तो जो भी आपके पाठ्यक्रम में बहुत अच्छे कंपाउंड यानी कि जो आने वाले फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ केवल वही लिखूँगा, ठीक है। चलिए, तो नंबर एक यहाँ लिखेंगे जल, और जल का जो सूत्र होता है भाई वो होता है H2O, इतनी बात सभी बच्चे जानते हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को आप ओ हटाकर यहाँ इसको भी जोड़ सकते हो, आपकी आवाज़ फिर भी आएगी, मोनोऑक्साइड है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सूत्र होता है भाई वो होता है CO, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर तुमने ओ छोटा बना दिया तो ये कोबाल्ट बन जाएगा, है ना। तो अगर आप इसको यूं लिखोगे तो ये कोबाल्ट बन जाएगा। तो बेसिकली आपको कार्बन और ऑक्सीजन का ध्यान रखना है, दोनों ही अलग अलग तत्व हैं, है ना, दोनों ही अलग अलग तत्व हैं। कार्बन भी बड़ा है और ऑक्सीजन भी बड़ा है, तो दोनों ही बड़े बड़े हैं, इतना आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, तो कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। कार्बन और डाई का मतलब होता है दो, और ऑक्साइड का मतलब ओ। मोनो मीन्स एक और डाई मीन्स दो, नंबर चौथा। थोड़ा सा हार्ड की तरफ चलेंगे भाई, अगर मैं आपको कहूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो क्लोरिक एसिड कह लो या अम्ल कह लो, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है भाई वो होता है HCl। अगर मैं सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करूं, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिड, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है भाई H2SO4 होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है भाई HNO3 होता है, इतनी बात आप जानते रहिए। इसके बाद अगर हम चिली साल्ट पीटर KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट को अगर लिखें, पोटेशियम नाइट्रेट को अगर मैं यहाँ पर लिखूं भाई, तो क्या होता है KNO3। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप सुक्की कली के नाम से जानते हो, शुष्क कली के नाम से जानते हो, तो कैल्शियम ऑक्साइड, और वो क्या होता है भाई CaO होता है, Ca, C बड़ा, A छोटा, और फिर O बड़ा। अगर मैं कहूं आपको कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं भाई, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है भाई CaCO3, इसको आप देख लो, ठीक है, CaCO3 हो गया, ठीक है, एकदम अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब आप इसको लिख लेंगे
मुझे बता दियो भाई, मैं इसको जो है रफ़ कर दूंगा, फिर और आगे लिखूंगा जो हमारे पाठ्यक्रम में अच्छे अच्छे फॉर्मूले यहाँ पर हैं। चिंता वाली कोई बात नहीं, आप सारे के सारे एक बार में ही याद करने की कोशिश ना करियो, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बाद में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया भाई? Yes, इसके बाद आप नंबर 10 जो है इसको आगे लिखेंगे, नंबर 10। और अगर मैं कहूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को भाई इसके बेसिक नाम से भी जानते हैं, जिसका बेसिक नाम है कास्टिक सोडा, है ना, कास्टिक सोडा जो साबुन के अंदर होता है। हमारे पाठ्यक्रम में ये अलग से भी है, तो ज़्यादा परेशान होने की आपका आवश्यकता नहीं है। जितने भी अभी तक आपने यहाँ पर टॉपिक लिए हैं भाई, हमारे पाठ्यक्रम में एकदम से ही इनका डिटेल पढ़ेंगे। धीरे धीरे आप ऐसे ही जब आगे चलोगे चैप्टर वाइज चैप्टर, तो इसका डिटेल भी हम यहाँ पर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इसका रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा आपको, अगर हम लिखें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है NaOH होता है, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है भाई। और अगर हम थोड़ा सा और देखें तो इसका जो नाम होता है कास्टिक सोडा भी आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें, बिल्कुल आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग में यहाँ पर ये सभी कंपाउंड्स के नेम लिख रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और भाई सोडियम कार्बोनेट को हम कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, है ना, सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, इतनी बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कपड़े धोने का सोडा भी हम इसे कहते हैं, अपनी सुविधा के लिए भाई ब्रैकेट में लिख सकते हो अगर आपको लग रहा हो तो। बात नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, अगर सोडियम और कार्बोनेट के बीच में, अगर सोडियम और कार्बोनेट के बीच में 22 शब्द लगा दिया तो यही क्या हो जाएगा, कपड़े धोने का सोडा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कपड़े धोने का सोडा तो है सोडियम कार्बोनेट, अगर 22 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, खाने का सोडा, है ना, बाई लगते ही सोडियम बाई कार्बोनेट, तो मेरे भाई ये हो जाएगा खाने का सोडा। तो खाने के सोडे को आप बेसिकली जानते होंगे, और बाई के लिए यहाँ क्या लगेगा H, तो NaHCO3, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार जब अगर आप हलवाई बनने की कोशिश कर रहे हो ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप शॉप से कपड़े धोने का सोडा ले आते हो और मावे में वही मिला देते हो, ठीक है। तो फिर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब उसको तेल या घी में डालते हो तो वे जो है उसके बॉन्ड अलग अलग भागते हैं टूट के, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा वहाँ पर कि ये हो क्या रहा है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, कपड़े धोने का जो सोडा होता है वो अलग, और जो खाने का सोडा होता है वो अलग होता है, उसमें बाई लगता है, है ना। लिखो भाई अगला नंबर, अगर हम कॉपर सल्फेट की यहाँ पर बात करें, ये बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कॉपर सल्फेट, और एग्ज़ाम में इस नाम से नहीं पूछा गया मेरे भाई, ये नीले थोते के नाम से पूछा गया है, नीले थोते का रासायनिक नाम और इसका सूत्र लिखिए। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि नीले थोते का रासायनिक नाम और इसका अणुसूत्र लिखिए, ठीक है। तो अगर मैं इसके अणुसूत्र की बात करूँ तो CuSO4
और इंटू पाँच एच टू ओ होता है। बड़ा ही खतरनाक कंपाउंड है भाई, आदमी की जान ले लेता है, आँख काट देगा। इसकी डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे, अगर आपके पाठ्यक्रम में हुआ तो इसकी डिटेल में ज़रूर आपको बताऊँगा, ठीक है। ये अगर हम बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, नीले थोत्ते का रासायनिक नाम और इसका अणु तो लिखे, तो नाम तो लिखिए कॉपर सल्फेट, ये सी यू है और ये एस ओ फोर सल्फेट है ना। तो इसका जो सिंपल नाम है, अगर आप शॉप वगैरह मेडिकल स्टोर वगैरह कहीं ऐसी जगह जाओगे तो आप अगर लाना चाह रहे हो तो उसको आप क्या कहोगे, नीला थोत्ता कहोगे। उसका केमिकल नेम है वो क्या है, कॉपर सल्फेट है ना। और कॉपर सल्फेट में क्या होता है भाई, सी यू एस ओ फोर इंटू फाइव एच टू, इतनी बात आप समझते रहिएगा, इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं लिखूं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट ये भी भाई इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। तो फेरस सल्फेट और इसका जो जनरली नाम है भाई हरा कशिश, इसको हम हरा कशिश के नाम से मार्केट में जानते हैं भाई। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, लिखते हुए ही, जो हरा कशिश होता है ये फीलियर रोग की दवाई बनाने में काम आता है। हरा कशिश का यूज पीलिया रोग की दवाई बनाने में होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है भाई Fe4 इंटू सेवन एच टू ओ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हरा कशिश मेडिसिन डिपार्टमेंट में इसका यूज होता है भाई, ये काफ़ी मरीज़ को ठीक करता है। लेकिन इतना आप जानते रहिएगा, अगर भारी मात्रा में इसका यूज होगा तो जहर का काम करेगा। अब ये तो केमिकल है, अगर आप रोटी भी जरूरत से ज़्यादा खाओगे ना तो दिक्कत तो होगी ही भाई, है ना। हर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर हम किसी भी चीज़ का यूज करते हैं तो वो नुकसानदायक ही होती है, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो या वो बुरी चीज़ हो, ज़्यादा मात्रा में अक्सर कोई भी चीज़ नुकसानदायक ही होती है। तो मैंने कहा अगर आप हरी कशिश को बहुत ही लो मात्रा में लोगे, कम मात्रा में लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मात्रा में लोगे तो जहर का काम करेगा, इतनी बात आप समझते रहिए। इसके बाद जो हमारा अच्छा क्वेश्चन है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मुझे चुनने के नाम से भी जानते हैं, तो नंबर 15 लिखेंगे भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जलन नाम होता है भाई वो क्या होता है, बुझा चूना। और बुझा चूना की अगर मैं बात करूँ, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये जॉब के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बुझा चूना। और इसको इंग्लिश में भी लिख लेंगे लिम वाटर, लाइम वाटर। और इसका जो फॉर्मूला होता है CO2H2 होता है, डीग्रेड की जो है भाई। आज की वीडियो में केवल इतना ही, बाकी देखते हैं अगली वीडियो में। तो धन्यवाद।